नमस्कार ऋषभ फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं खड़ी मूंग की दाल बनाऊंगी। हमारे गांव में किस तरह से खड़ी मूंग की दाल बनाई जाती है वैसी मैं बना के आप लोग को दिखाऊंगी। तो इसे देखने के लिए आप मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ। दोस्तों ये खड़ी मूंग की दाल है, मैं इसे अच्छे से साफ कर ली हूँ। जो भी एकाध कंकड़ थे वो सब मैं निकाल के इसे साफ कर ली हूँ। और ये देसी मूंग का दाल है। तो इधर मैं चूल्हा जला दी हूँ और चूल्हे के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। मैं मूंग को भूनूंगी फिर उसका दाल बनाऊंगी। तो मैं कढ़ाई में मूंग को डाल लेती हूँ और इसे भून लूंगी। देखिए अब मूंग का कलर चेंज होने लगा है। जब ये चटचट का आवाज़ आने लगेगा तो मतलब मूंग हमारा भून गया है। तो देखिए भून गया है, मैं इसे चूल्हे से उतार ली। और इधर मैं सिलबट्टे पे जब मूंग थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसे मैं दरूंगी। जो खड़ी मूंग की दाल होती है उसे इस तरह से दरने से मूंग की दाल दो भाग में बढ़ जाता है। तो उसका मैं फिर छिलका निकाल लूँगी और उसे हल्के हाथों से ही दरना है। देखिए मैं सारे दाल को दर ली हूँ। जो खड़ी दाल थी दो भागों में बट गई है और उसका छिलका भी निकल गया है। तो मैं एक सूपे में सबको उठा लेती हूँ। इधर मैं उस सूपे से छिलका को निकाल ले रही हूँ फटक फटक के। देखिए छिलका निकल गया है और दाल एक तरफ हो गया है। हमारे गांव में इसी तरह से मूंग की दाल को बनाया जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे बनाने से दाल। बिना भुने हुए अगर बनाएंगे तो दाल थोड़ी लसलसी लगती है और इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और सोंधा लगती है। इधर मैं चूल्हे पे पानी रख दी थी गर्म होने के लिए। मैं भगोने में दाल पकाऊंगी तो मैं भगोने में दाल को डाल देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी, मीडियम चम्मच से आधी से भी कम हल्दी पाउडर है और नमक स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। इधर मैं ढक दी, दाल को देख रही हूँ दाल उबलने लगा है और मैं इसी में आलू उबलने के लिए रख देती हूँ। इधर मैं चावल का पतीला चढ़ाई थी, इसका भी पानी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। इधर हमारा चावल भी पक के तैयार हो जाएगा। और इसे चम्मच से चला लेती हूँ ताकि चावल नीचे पकड़े ना। देखिए चावल अब हमारा पक गया है। इधर दाल हमारा उबल रहा है और चावल पक गया है तो मैं इसे चूल्हे से नीचे उतार लेती हूँ। छिलके की वजह से दाल थोड़ी ऐसी दिख रही है। इधर मैं मिर्ची को भून लेती हूँ आग पे। देखिए मिर्ची हमारा भून गया है, मैं इसे आग से निकाल लेती हूँ। और इसे एक थाली में रख लेती हूँ। देखिए इधर मैं दाल को देख लेती हूँ दाल पका कि नहीं।
और आलू को भी देख लूँगी, आलू उबला है कि नहीं। तो आलू हमारा उबल गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारे आलू को निकाल ली हूँ। दाल थोड़ा सा और पकेगा और आलू को मैं छील ली हूँ, उसके छिलके उतार दी हूँ। और मैंने 5 आलू उबलने के लिए रखा था, तो मैं 3 आलू का ही चोखा बनाऊंगी। मैं आलू का चोखा बनाऊंगी इसलिए आलू को उबलने के लिए रखी थी। थोड़ी सी नमक डाल लेती हूँ। थोड़ा सा सरसों तेल, चोखा में सरसों तेल ही अच्छा लगता है इसीलिए सरसों तेल ही डालना चाहिए। और मैं ये जो मिर्ची भुनी थी उसे डाल रही हूँ। भुना हुआ मिर्ची डाल के चोखा बनाओ तो चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं सारे आलू को फोड़ लूँगी। देखिए मैं सारे आलू को मींच के और इसे तैयार कर ले, तो हमारा चोखा तैयार हो गया है। इधर मैं दाल को देख लेती हूँ। तो देखिए दाल हमारा पक गया है। अब छिलके की वजह से दाल थोड़ा काला टाइप का दिख रहा है। और ये दाल घोटने वाला है, इसी से मैं दाल को मथ रही हूँ, जिससे दाल हमारा पूरी तरह से अच्छे से मिल जाएगा। भगोने में का बना हुआ दाल बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए दाल हमारा अच्छे से मिल गया है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ चूल्हे से। इधर मैं दाल को तड़का लगाऊंगी, तो तड़का लगाने के लिए मैं करछुल में सरसों का तेल ली हूँ और उसे आग पे रख देती हूँ। इधर जीरा डाल देती हूँ। सूखी मिर्च डाल रही हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए तड़का हमारा जल गया है। अब मैं इसे तड़का लगा लेती हूँ दाल में। मैं 3 आलू का ही चोखा बनाई थी, 2 आलू को बाद में बनाऊंगी। तो देखिए दाल हमारा तैयार हो गया है, दाल भात और चोखा। तो मेरी वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दाल चावल चोखा और मिर्ची का अचार खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप मेरे तरह ही जैसे मैं खड़ी मूंग की दाल बनाई थी, आप वैसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो भगोने में बनाई थी, आप कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।